अगली खबर शिक्षा से जुड़ी हुई है। आम चुनाव से पहले सरकार अल्पसंख्यक वोट बैंक को लुभाने के लिए कई कदम उठाने की सोच रही है, जिनमें एक अहम कदम है मदरसों को सीबीएसई की मान्यता देना। जल्द ही करीब 4 लाख छात्रों का इसका फायदा मिल पाएगा। मदरसों को मान्यता मिल जाएगी सीबीएसई की तरफ से, खासकर वो मदरसे जिन्हें राज्य शिक्षा बोर्ड की तरफ से पहले ही मान्यता मिली हुई है। इन बच्चों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही मदरसों की पढ़ाई को सीबीएसई की मान्यता मिल जाएगी। चुनाव के मौसम में सरकार ने आखिरकार सच्चर कमेटी की ये सिफारिश मंजूर कर ली है। बीते हफ्ते ये खबर एनडीटीवी इंडिया ने दिखाई थी, अब खुद मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो मदरसा के बारे में जो फैसला लिया गया है, ये कब से फॉर्मलाइज किया जाएगा और कितने बच्चों को इससे फायदा मिलेगा? हजारों की संख्या में। आई कांट गिव यू अ नंबर बिकॉज दे आर ऑल ओवर कंट्री। कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कब से फॉर्मलाइज? वेरी सून। सच्चर कमेटी की सिफारिश पर अमल के लिए बनी कमेटी ने यह फैसला किया है कि जिन राज्यों में मदरसा बोर्ड को राज्य शिक्षा बोर्ड की मान्यता मिली हुई है, उन्हें सीबीएसई की मान्यता भी दे दी जाए। केंद्र के ताजा फैसले से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के 4 लाख से ज्यादा मदरसा छात्रों को फायदा होगा। इन बच्चों के लिए अब केंद्र सरकार की नौकरियों के दरवाजे भी खुल जाएंगे और ये हो सकता है कि उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिला भी मिल पाए। वैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मदरसा शिक्षा के बारे में यूजीसी ने जो कमेटी बनाई है, अभी उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। बहरहाल सरकार के ताजा फैसले से ये जरूर लगता है कि मदरसों के छात्रों के लिए पढ़ाई लिखाई की मुख्य धारा में शामिल होने का रास्ता अब खुल गया है। भुवनेश्वर से पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर के साथ, नई दिल्ली से कंचन पंत, एनडीटीवी इंडिया के लिए।